जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विज्ञान में। साथियों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो हमारी यूपी की जीके की करंट की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर कर लेंगे हम, क्योंकि आपको पता है ये करंट का टॉपिक है और एग्ज़ाम भी अभी करंट में ही है। तो ये मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में ही नहीं बल्कि SSC GD वालों को भी ये क्वेश्चन तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन है और ये 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम इनको 50 क्वेश्चन को स्टार्ट 10 मिनट में निपटाने का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, है राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में। राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में हुआ था। और दोस्तों, उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि आप इस क्वेश्चन को लगा के देखना, इस टेस्ट को, और आप देखना कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, आपको कितनी जानकारी है राम मंदिर के बारे में, ये चेक करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी जो है अयोध्या के इतिहास की साक्षी नदी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साकेत। अयोध्या को साकेत नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? राम मंदिर की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई जो होगी वो 161 फीट होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5। राम मंदिर में कितने खंभे हैं? राम मंदिर में कितने खंभे हैं? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 392। राम मंदिर में टोटल 392 खंभे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? राम मंदिर में मंडप बनाए गए हैं जिनमें कितने मंडप बनाए गए वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मंडप। राम मंदिर में टोटल 5 मंडप हैं अयोध्या के राम मंदिर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? इनमें से कौन ऐसा जो है, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रेक्टर है जो आपका राम मंदिर का निर्माण करा रहा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो इसमें से ज्यादातर लोग इसको गलत लगाएंगे। इसके 4 ऑप्शन है, ए श्री राम भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लगा के आएंगे इसमें उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार, जबकि इसका उत्तर जो है ये नहीं है। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसका निर्माण करा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? ये मेन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर आने के चांसेस हैं। ठीक है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2024। ठीक है, आज ही की डेट है। क्वेश्चन नंबर 10। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया है, उसके लिए एक समय डिसाइड किया गया है, तो वो कितना समय है, कितने समय का, मतलब शुभ मुहूर्त जो कितने समय का है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 सेकंड। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त होगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 11। ये है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? राम मंदिर के जो चार कोने हैं, चारों कोनों में क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन आएंगे, 4 मंदिर, 4 स्तंभ, 4 घेरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 मंदिर। ठीक है, फिर है अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? पानीपत की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस, या भारत छोड़ो? ये तो आप बिल्कुल नॉर्मल लगा ही लोगे, क्योंकि राम मंदिर का विवाद था वो बाबरी मस्जिद के विवाद से जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? ठीक है, भूमि पूजन एवं शिलान्यास, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, भूमि पूजन। तो इसका पहले आपको सन पूछा था ओनली, और आपका इसमें जो है आपसे पूछ लिया गया है
विद डेट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे, ठीक है। ये फैसला जो क्लियर होने में कितना टाइम लगा, ये आपके चार ऑप्शन आएंगे, 30 साल 8 महीने, 27 दिन, 20 साल 8 महीने, 27 दिन, 15 साल 5 महीने, 27 दिन, 10 साल 5 महीने, 30 दिन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 साल 8 महीने 27 दिन, यानी राम मंदिर का जो फैसला आया था उसको 30 साल 8 महीने 27 दिन लग गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या किस राज्य में स्थित है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। जो नई मूर्ति है वो जो जिसका शिलान्यास 22 जनवरी 2024 को हुआ है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 51 इंच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 51 इंच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फिट की है, ठीक है। कितने फिट की अगरबत्ती जल रही है जो 22 जनवरी उद्घाटन वाले दिन जली है, वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 108 फीट, 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बाबर किस वंश का शासक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश। अब ये कहोगे ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये मंदिर से ही रिलेटेड है क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद का विवाद चला था और बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था, इसलिए बाबर को भी इसमें पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों ये हो जाएगा, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तो उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह उसके उस टाइम के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20, अयोध्या में राम मंदिर विवाद की सुनवाई, अयोध्या राम मंदिर विवाद की जो सुनवाई थी कितने दिनों तक चली थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 40 दिन तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा चार और जज थे, कौन थे, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एक तो न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, उनके अलावा चार जज और थे, वो कौन कौन थे, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया आपका डीवाई चंद्रचूड़, शरद अरविंद, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1528 ईस्वी में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था, अयोध्या विवाद में जो अपना अंतिम फैसला सुनाया था वो कब सुनाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो इसका तो आपको नॉर्मली पता होगा, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 27, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया था, ठीक है। एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ये अयोध्या वाली जो विवादित जमीन है, 2.77 एकड़ जमीन, इसके बदले मुसलमानों को जो मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, उसके बदले में ये जमीन उनको छोड़नी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर है कौन से अनुच्छेद के तहत दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 142 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था, ठीक है। अयोध्या का अयोध्या से पहले जो नाम था वो क्या था,
वो था फैजाबाद, सॉरी फैजाबाद, अयोध्या का जो परिवर्तित नाम फैजाबाद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? जो बाबरी मस्जिद थी उसका जो ढांचा तोड़ा गया था वो कब तोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 31, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब एल&टी एक कंपनी है, उसके द्वारा उस राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसका जो राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 34, राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया था? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 1800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 35, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि विवादित जो जमीन थी हमारी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की, वो ऑप्शन नंबर सी, 2.77 एकड़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो जैसा कि आपको पता होगा, 2, 3, 5, 7, इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5, 5 जजों की एक बेंच थी, इन्होंने फैसला सुनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? तो इसका नाम था बाबरी मस्जिद, जिस पर विवाद हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो बनाए गए वो कौन बनाए गए? ऑप्शन ए, महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर। क्वेश्चन नंबर 40, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 11,100 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.5 साल यानी 3.5 साल। क्वेश्चन नंबर 42, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 एकड़। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 43, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो ये आपका हो जाएगा 7 फिट, ऑप्शन नंबर बी, 7 फिट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 44, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 1988 में नक्शा पास हुआ था वो 141 फीट रखी गई थी। ठीक है, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? अयोध्या राम मंदिर जो बनाया गया है वो कितने मंजिल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, 3 मंजिल। क्वेश्चन नंबर 46, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 46 का? ए, राम जन्मभूमि न्यास। 47, क्वेश्चन नंबर 47, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1530 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48, बाबर के बेटे का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 49, बाबर भारत कब आया था? ठीक है, बाबर भारत कब आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी मीर वाकी, ऑप्शन सी मोहम्मद मुस्तफा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, कमेंट में जरूर जवाब दें, ठीक है। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्रभाव से मिल सके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मीर वाकी, ठीक है।